नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वाले विश्लेषण के शो में। और आपको ये जानकारी देंगे कि छात्र नेताओं के नेतृत्व में अब आंदोलन आगे चल रहा है और इसे लेकर बहुत सारे शिक्षक नेता हमसे नाराज हो गए हैं। लेकिन ये हमारी डिमांड नहीं थी छात्र नेताओं की, ये डिमांड स्टूडेंट का था। तो स्टूडेंट चाहते थे कि छात्र नेता आगे आए, इसलिए हमने ये चीजों को आगे प्रसारित किया। छात्र नेता का आज से मुरहबादी के पास बापू माटिका में आज से छात्र संसद का भी शुरुआत हो रहा है, जिसमें सवाल भी पूछा जाएगा। और अब स्टूडेंट सत्याग्रह से खुश हो गए हैं, बड़ी संख्या में स्टूडेंट वहां पहुंच रहे हैं, इस पर विश्लेषण होगा। दूसरा कि राहुल गांधी जी 19 तारीख को आ रहे हैं रांची, तो छात्र नेता जो है वो कुछ शिक्षक नेता से हम बोलेंगे कि वो मिले और उनसे मिलकर के एक समन्वय बैठाने की कोशिश करेंगे। तीसरा चीज, बहुत लोगों ने हमें मैसेज किया कि विनय सर, क्या आपकी ओर से कोई QR कोड जारी कर दिया गया है? हमने अभी तक जितने भी मूवमेंट चलाए हैं, जितने भी चीजों को सामने रखा है, कभी हमने किसी भी QR कोड को शामिल नहीं किया, ना हमने किसी से अभी तक कोई आधार कार्ड मांगा। आपके पास अचानक से कॉल आएगा और कोई बोलेगा कि आधार कार्ड भेज दीजिए, तो थोड़ा संभलिएगा। पैसा भेज दीजिए, थोड़ा सा संभलिएगा। पूछिएगा जरूर कि क्यों लिया जा रहा है, और हमारे तक स्क्रीनशॉट जरूर से भेजिएगा, ताकि एक प्रेशर बना रहे और आपके पैसे का जो हिसाब हो वो सही हो पाए। छात्र अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीचर की ओर से जब ये डिमांड किया जाता है तो उस पर जरूर सोचने की जरूरत है, स्पष्ट करना चाहते हैं। अगली खबर होगी कि किसी भी वक्त 2-3 दिन के अंदर, आज से लेकर के 2 दिन के अंदर, किसी भी समय में 3 दिन के अंदर अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो इसके साथ साथ मैया सम्मान योजना पर पूरा दांव JMM खेल रही है, और अब 1000 से बढ़ाकर 2500 पर मंथ किया जा रहा है। छठ के समय में पहली राशि दी जाएगी जो चुनाव के समय में होगा, तो ये बहुत बड़ा आपको अपडेट दे रहे हैं। रघुवर दास के साथ क्या बातचीत बीजेपी की चल रही है, उसका भी आज देर शाम तक खुलासा हो सकता है। और वही सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर सीधा हमला बोल दिया है कि वो सभी अलग अलग कंपनी और सरकार के द्वारा बनाए गए पार्क पर अपना बोर्ड लगा करके वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्र में सब कुछ चल रहा है। JBKSS और JLKM अपने उम्मीदवार का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हालांकि उम्मीदवार कुछ नाराज भी हैं कि उनका चुनाव क्षेत्र कुछ और था। मान लीजिए कि हम जमशेदपुर में सब दिन मेहनत कर रहे हैं और हमको चुनाव लड़ने के लिए बोला जाए दुमका जाकर के, आप मेहनत कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे गिरिडीह से और आपको भेज दिया जाए सरायकेला, तो समझिए थोड़ा सा गणित गड़बड़ा जाएगा। तो उनके कई उम्मीदवार दबे जुबान से इन चीजों को कह रहे हैं, और हम जो लोग हमारे विश्लेषण को देखते हैं उनको लगता है कि सही और सपाट बोलते हैं, कोई इसमें लुका छुपी नहीं होता है। और यही कारण है कि स्टूडेंट के ने विश्लेषण पर भरोसा जताया है। कई लोग जब अपनी बातचीत भी शुरू करते हैं तो उसमें हमारे विश्लेषण को ही वो महत्व देते हैं और कहते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत ठीक रहता है। तो चलिए, आपका भरोसा इसी प्रकार से बना रहे और आप जो डिमांड करते हैं वो हम सामने सामने आपको दिखाते हैं और सारी चीजों को पूरा खुल कर बताते हैं। तो आज क्या कुछ खास होने वाला है राजनीति में, इसको समझने की जरूरत होगी। सबसे पहले बीजेपी का जो कैंपेन है, उस कैंपेन में अब झारखंड में बटोगे तो कटोगे का नारा को डाला जा रहा है, और यहां पर भी योगी जी वाला नारा हिट हो रहा है, तो वो अब आ रहा है यहां पर। ये पहली आज की खबर आपको बताएंगे। दूसरा, राहुल गांधी और JMM के बीच में समन्वय समिति की 19 अक्टूबर को बातचीत होगी, जिसमें राहुल गांधी के सामने प्रस्ताव JMM रखेगी कि JMM तकरीबन 45 सीट पर कम से कम चुनाव लड़े, जो बाकी सीट बच रहा है उसी के अंदर RJD और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को जगह दिया जाए, नहीं तो गठबंधन नहीं चल पाएगा। क्योंकि हरियाणा चुनाव में हार मिलने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है और उसे अब ये दिक्कत लग रहा है कि वो बार्गेनिंग करे तो कैसे करे, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट आपको आज देना चाह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि बीजेपी भी आज से नाम का ऐलान करने की शुरुआत करने वाली है, तो देर शाम को किसका किसका नाम आएगा या कल तक आएगा ये भी आपको जानकारी दे दिया जाएगा। पारा शिक्षक जो है
वो 17 तारीख से मुख्यमंत्री आवास का घेराव शुरू कर रहे हैं। देखिए 17 अक्टूबर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। तो जो लोगों को लग रहा था कि चुनाव आचार संहिता अगर लग जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, पारा शिक्षकों से उनको सीखना चाहिए कि पारा शिक्षक 17 अक्टूबर से जो है वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव शुरू कर रहे हैं। और उनका मानना है कि उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई तो वो एक कैंपेन चलाएंगे और वो कैंपेन सरकार के खिलाफ होगा, इसलिए जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले आंदोलन करवाया जाता है और फिर उसकी मांग मान ली जाती है। कभी राजनीति है, ऐसा भी होता है कि अगर हमको कोई मांग आपका मान ही लेना है तो पहले आवाज उठवाया जाता है। इसके बाद आगे क्या होगा जेएसएससी सीजीएल का, जो महत्वपूर्ण चीज होता है, छात्र छात्राओं ने स्टूडेंट के ऊपर और स्टूडेंट छात्र नेताओं के ऊपर पूरा भरोसा जता दिए हैं और उनसे उन्होंने कहा है कि आप लोग ही अगुवाई कीजिए। और देवेंद्रनाथ महतो जी, मनोज यादव जी, सफी इमाम जी, योगेश भारती जी जैसे, सत्यनारायण शुक्ला और भी अन्य नेताओं ने अब इस पूरे आंदोलन की बागडोर को अपने हाथ में लेने की सोची है। और इन्हें जो जरूरत होगा, जिस प्रकार की सलाह की, वो हम लोग मोरल सपोर्ट की भूमिका में है। बाकी शिक्षक नेताओं से भी हम अपील करेंगे कि वो जिद छोड़ दें और वो छात्र नेताओं को ही आगे रहने दें। इसमें छात्र छात्राओं की भलाई होगी और यही आज समय की भी मांग है कि छात्र, क्योंकि टीचर के साथ एक टैग लगा हुआ है कि लोग जेएसएससी का पहले ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, परीक्षा करवाने के लिए दबाव डालते हैं और जब कोर्स बिक जाता है तो फिर आगे आकर के लोग बताते हैं कि देखिए हम आप ही के साथ खड़े हैं। इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा टीचर के बारे में उनका ऐसा ख्याल, हम कमेंट पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि सब लोग कोर्स बेचने वाले लोग हैं, हालांकि हमें भी बोलते हैं, जबकि हमने जेएसएससी का आज तक कोई ना तो बैच चलाया, ना कोई कोर्स बेचा, ना कोई किताब बेचा है। तो छात्र नेता चूंकि ये सारी चीजों को नहीं करते इसलिए उनको आगे आना चाहिए और ये छात्रों का ही डिमांड था इसलिए हमने छात्र नेताओं का नाम आगे रखा था। पीआईएल वाले मुद्दे पर भी आज सुनवाई है जो हम अपडेट देंगे और तीन तीन अलग केस भी इस पर होने वाला है, इस पर भी जानकारी देंगे। और टीचर के वैसे समूह से आपको मिलवाएंगे जो लोग अभी तक पर्दे के पीछे से रह करके आपको पूरा समर्थन देते थे और वे लोग कभी फ्रंट में नहीं आए, तो वैसे चेहरों को भी हम सामने लाएंगे जो दिखाएंगे आपको कि आपके लिए वो कितना मेहनत शिक्षक कर रहे हैं। और वैसे शिक्षक जो अलग अलग ग्रुप में, हमें लगता है कि कुछ ऐसे भी ग्रुप है जिसमें टीचर की संख्या अगर 70 टीचर है तो उसमें से 3 ही 4 टीचर जो है वो ही है और बाकी लोग कोई बातचीत में आते ही नहीं है, क्या कारण है इसकी भी पड़ताल करेंगे। बाकी 67 टीचर जो है वो आखिर क्यों नहीं आना चाहते हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके क्षेत्र की कोई घटना हो, विधायक जी हो, मंत्री जी हो, आपने कभी उनसे कोई सवाल पूछा है, उनका उन्होंने उत्तर दिया है, तो आप हमें भेजिए अपने नाम के साथ, वो हम आपको जरूर से दिखाएंगे अपने चैनल पर। और इसके साथ हमने जो एक अपना छात्र पंचायत की शुरुआत की थी जिसमें अलग अलग क्षेत्र से हमने नाम मांगा था, नाम पूरा हो चुका है, हमने 5 नाम मांगा था, कुछ जिले से ज्यादा नाम आ गए हैं तो वहां पर जिनका नाम शामिल नहीं होगा वो बुरा नहीं मानिएगा और सभी लोगों की इंडिविजुअल घोषणा कर दी जाएगी। 120 ऐसे छात्र हो रहे 24 जिला से जो आने वाले समय में किसी भी आंदोलन की रूपरेखा को तय करेंगे और छात्र ही करेंगे, इसमें कभी भी कोई शिक्षक आगे